ये चुनाव जनता ने चुनौती समझ करके स्वीकार किया है। नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, महंगाई है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई है, महिला सम्मान नहीं है, तो तकलीफ से झेलती हुई जनता 10 साल से डेमोक्रेसी में हिसाब लेना चाहती है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे उनके डील डॉल में जिस तरह का एक परेशानी झलकती है, झंझलाहट है, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी तो जो महिलाएं घर में रही हैं उनका मंगलसूत्र छीना जाएगा। देखिए, बंटाधार करने वाले प्रधानमंत्री रहे, देश का, देश की कल्याणकारी योजनाओं का अस्त व्यस्त करने में अव्वल नाम उनका है। तभी तो राहुल गांधी जी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत के हम दुकान खोल रहे हैं। में क्या लग रहा है सर आपको, आप लगातार कंपेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मार्जिन की बात हो रही है, कि मार्जिन हमारा बढ़ना है। हाँ, उसकी ही लड़ाई चल रही है, जीत तो हमारी हो चुकी है। इस वक्त हम समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की यहाँ बहुत बड़ी सभा होने वाली है और यहाँ से इंडिया अलायंस के कैंडिडेट कांग्रेस के सिंबल से लड़ रहे हैं सन्नी हजारी पासवान और उनके समर्थन में आज मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शकील अहमद खान मौजूद हैं, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं समस्तीपुर में? देखिए, पूरे देश में, बिहार में, समस्तीपुर में जी ये चुनाव जनता ने चुनौती समझ करके स्वीकार किया है, क्योंकि असल में भोग तो जनता ही रही है ना। आवामुन्नास जो है वो तकलीफों को झेल रही है जी। नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, महंगाई है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई है, महिला सम्मान नहीं है, स्कूल कॉलेज जितना कुछ भी एक मानव जीवन के लिए आवश्यक है उसमें 10 साल में उसकी सुविधा में बढ़ोतरी होनी चाहिए। बढ़ोतरी के बजाय हम गरीबी रेखा से में ज़्यादा लोग हो गए। 80 करोड़ को तो खुद ही बोलते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम गरीब से गरीब तरीन होते चले जा रहे हैं। तो तकलीफ़ से झेलती हुई जनता 10 साल से डेमोक्रेसी में हिसाब लेना चाहती है और आप देखिएगा कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जो 3 चरण के चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट आपके सामने, जो भी ज्ञानी लोग हैं जो चीज़ों को समझते हैं उन्होंने जिस तरह से बातें की हैं, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे उनके डील डॉल में जिस तरह का एक परेशानी झलकती है, झंझलाहट है, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, तो अब वाकई में सिद्ध हो गया कि वो एक जुमला पार्टी रही और उस जुमले से रोज़ाना उन्होंने सिनेमा दिखाया। खर्चा कहाँ करना चाहिए था वहाँ नहीं किया, मदद किसकी करनी चाहिए थी तो उन्होंने कुछ अरबपति अपने मित्रों की मदद किया, तो गोया के मिला जुला करके देश का विकास रुका। सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय, अदलो इंसाफ की बात जिसके लिए हमारा देश मशहूर है, माना जाता है, उसमें कमी आई। तभी तो राहुल गांधी जी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत के हम दुकान खोल रहे हैं। यह एक संजीदा बयान है, गंभीर बात है कि स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि जिसकी वजह से देश का हर वर्ग परेशान है। इसीलिए समस्तीपुर में ये पूरे असरात दिखते हैं और उस असर से आप देखिएगा समस्तीपुर हमारी जीतने वाली नंबर 1 सीट होगी। बड़ी तादाद, आप तो यहाँ जो लड़ाई है वो कितना ज़्यादा हम लोगों को मार्जिन हो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ तो जो NDA अलायंस के कैंडिडेट हैं वो तो अशोक चौधरी की बेटी हैं, तो क्या लगता है मंत्री का फायदा होगा उनको? चुनाव में हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करती है, किसने किसको क्यों किया सवाल वो नहीं है, सवाल मुद्दे का है, सवाल विचारधारा का है कि किस विचारधारा के साथ चल करके समाज देश का कल्याण होगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का विचारधारा देश में आर्थिक नीतियों को कमज़ोर करना, देश की आवाम को गरीब करना, नौजवानों को गरीब करना, नौजवानों को बेरोजगार रखने वाला विचारधारा और आपस में मुनाफरत फैलाने वाले
विचारधारा है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी तो जो महिलाएं घर में रही हैं उनका मंगलसूत्र छीना जाएगा। देखिए, बंटाधार करने वाले प्रधानमंत्री रहे, देश का, देश की कल्याणकारी योजनाओं का, देश की व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय की व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने में अव्वल नाम उनका है जी। तो अब वो कुछ भी बयान दे दे, हास्यास्पद बयान हिंदुस्तान में, दुनिया में, मीडिया में, चारों तरफ इस बयान को लेकर के लोग मखौल उड़ा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी अपने बयानात में खुद ही अपना मजाक उड़ा रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा मैं सीरियसली लेता नहीं। वो चाह रहे हैं कि एक पोलराइजेशन की स्थिति बन जाए, जनता को नौकरी चाहिए, उसके थाली में कम से कम एक सब्जी तो आ जाए, दाल तो आ जाए, चावल तो आ जाए, उसके घर में किसी को एक नौकरी तो मिल जाए, उसके बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाए, सेहत का इंतज़ाम हो, यही तो चाहती है जनता। यह देने में कासिर हैं, और आप जो बात को वो कह रहे हैं उससे क्या है कि आप समझते हैं कि डिवाइड एंड रूल से हमेशा राजनीति में सफलता मिलती है, ऐसा नहीं होता है। देश की जनता सजग है, आपके इन खोखले नारों का कोई मतलब नहीं, वो रियल टर्म में अपना फायदा देखना चाहती, जो आपने किया नहीं तो आपका जवाब दे रही है। तो समस्तीपुर में जब कैंडिडेट का नाम लेकर के बोले, दरभंगा में आए हुए थे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला कि संभावी मेरी बेटी है, ये तो वो इस पे मुझे क्या, ये तो बोल सकते हैं है ना, ये सन्नी हजारी मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई है वो है। तो किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी की बहन हाँ। माँ, ये तो लड़ती ही लड़ती है चुनाव हाँ। उसमें कहाँ कोई दिक्कत है हाँ। लेकिन उनका जो व्यक्तिगत हाँ। जो अपील हाँ। जिस अपील की बुनियाद पे 2014 में आ गए, 2019 में, वो लोक लुभावने सपने जुमले की बुनियाद पर जी। काट की हांडी को दो बार चढ़ा लिया, तीसरा बार उसमें खाना बनने वाला नहीं है। में क्या लग रहा है सर आपको, आप लगातार कंपेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मार्जिन की बात हो रही है, कि मार्जिन हमारा बढ़ना है हाँ, उसकी ही लड़ाई चल रही है, जीत तो हमारी हो चुकी है, जीत हो चुकी है नेचुरली। जनता को आप देखिएगा, आज ही एक पब्लिक नहीं मीटिंग, कई पब्लिक मीटिंग चल रही है जी। और कई पब्लिक मीटिंग में आज तेजस्वी जी की दो पब्लिक मीटिंग है, आज खड़गे जी की मीटिंग है, हर रोज। और हम लोग तो कहीं पर भी मंच लगा देते हैं, जनता आ जाती है। उनका मंच देखिए, साज सज्जा, उसमें फूल भी हैं, गुलदस्ते भी हैं सब। हम लोग तो सिंपल तरीके से जनता को, उतना पैसा भी सब छीन लिया कांग्रेस पार्टी का, तो पैसा फ्रीज कर दिया। तो हमसे जो बन पड़ रहा है जनता की मदद से हम चला रहे हैं, लेकिन जनता में जनता चुनाव लड़े हर्षोल्लास के साथ जी। गाजे बाजे के साथ हाँ। इनका विदाई होगा 4 जून को, विदाई हो जाएगी आज गाजे बाजे के साथ। फिर 400 सीट का क्या होगा सर, लगातार कह रहे हैं कि 400 सीट आ रही है देश में, 420 करने वाले लोग हाँ। इस तरह के जुमले हाँ। बोलते हैं, 420 करने वाले लोगों का ये सब मामला हो गया। हाँ, अगर इनके मन में 400 के पार, डीजल पेट्रोल के दाम 420 पार हैं, सब्जी तरकारी दाल का दाम 400 के पार है, ये सब वो कर सकते हैं, सक्षम है। जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो है, क्या लगता है देश अब उस तरह का मैनिफेस्टो पे उतरेगी? अरे भाई वाह, उसी मैनिफेस्टो से तो पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, हम तो गारंटी के साथ न्याय की बात करते हैं तो हमारे न्याय की जो योजना है, जो गारंटी है, वो जमीन पर उतरती है जहाँ भी हमने दिया। 70,000 करोड़ रुपए का धनराशि हम लोगों ने किसानों को माफ किया, तो वो तो हमारे क्रेडिट में जाता है ना। हाँ, इन्होंने किसका माफ किया, धन्ना सेठों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन्होंने माफ किया। उसी से तो पेट में दर्द हो रहा है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो वादा नहीं है, निभाने वाली बात है। तो इस बार समस्तीपुर में लड़ाई आपको नहीं लग रही है? नहीं, वो तो लड़ाई तो कहीं पूरे देश में नहीं, देखिए देश की, हम आपको बार बार कहते हैं, चुनावी जनता लड़ने लगी हाँ। एक ऐसा माहौल बन गया है कि उनका जितना भी अंतर मंत्र तंत्र है उनके पास बहुत सारा जी। पैसा कौड़ी है, जिसको चुनाव लड़ा रहे हैं उनके पास भी अकूत धन है। हम तो जनता की मदद से चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि बोरिया बिस्तर बांध लें तो अच्छा रहेगा। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये थे शकील अहमद खान सर, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, और अब कुछ देर में
मल्लिकार्जुन खड़गे के जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका समस्तीपुर में एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है और उसी का लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन नफरत के बाज़ार में मोहब्बत का दुकान जिस तरीके से राहुल गांधी ने बोला है उसका असर अब देश में पड़ रहा है और शायद अब लग रहा है कि देश में बदलाव की ओर बढ़ चुका है। बहरहाल आपकी क्या राय है हमारी बातचीत में नीचे कौन ऑप्शन दे, और अगर आप वीडियो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से देख रहे हैं तो आप किसे जिताना चाहते हैं वह भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।